हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ गाइस। दिवाली का माहौल था, यू आर वेरी हैप्पी दिवाली बिलेटेड। बट वीडियो तो दिवाली में ही बनाया था पर लेट अपलोड की मैंने। तो बींग अ नेपाली, बींग अ गोर्खा, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सेलरोटी बनता है चावल के आटे से। आज पहली बार मैं भी इस ये सियाल रोटी बनाने जा रही हूँ। मैंने कभी नहीं बनाया है। सियाल रोटी बनाने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है, हर कोई एक ही तरीका से नहीं बनाते हैं। मेरा भी एक अलग तरीका, मेरा नहीं जैसे मेरी माँ का, जो मेरी माँ बनाया करती थी जब वो थी, तब हम भी घर में बहुत इंजॉय करते थे, बचपन की यादें। तो मैंने सोचा मैं भी आज ट्राई करके देखती हूँ, कभी बनाया नहीं, कैसा बनेगा कोई आइडिया नहीं था। तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैंने घर में ही चावल सोख करके रखा था। इसे मैं घर में ही मिक्सी में ब्लेंड करूँगी। लोग मार्केट से भी आटा लेके आ सकते हैं चावल का, तो मैं घर में ही बना रही हूँ। मैंने ब्लेंड करने के लिए जार में चावल दे दिया और उसमें थोड़ा सा घी दे दिया है। इसे मैं अब ब्लेंड करूँगी। आप चाहे तो मार्केट से चावल का आटा ले जाते हो। लोग, मेरी जब माँ थी, जब हम सब घर में थे, तो माँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया करती थी। आज भाई दूज भी मनाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ भाई टीका कहते हैं, तो उसके लिए स्पेशली बनता है ये। तो इसलिए मौके पे मैं आज बना के ट्राई कर रही हूँ। मैंने पहले दरदरा पिसा, मैं ही एकदम फाइनली टेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि इसका भी एक टेक्सचर क्रंची टेस्ट आता है। अब जो जितना बचा है मैं उसे इसमें डाल दूंगी, उसके बाद इसका जो पेस्ट बनेगा, इसका पेस्ट एकदम फाइन बनेगा। इसमें भी मैं जितना भी बना रही हूँ गाइस, इसमें मैं घी दे रही हूँ। आपके पास है तो घी डालिए, नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हो, फिर भी अच्छा बनता है। पर आप कुछ कुछ चीज़ ऐड कर सकते हो पेस्ट के लिए। तो ये मेरा देखिए, ये दरदरा था पीस के, अब जो देखे जो मैंने पीसा है, बहुत फाइनली पेस्ट बनाया है। ये देखिए बहुत फाइन पेस्ट बना है, क्योंकि जो दरदरा रहेगा गाइस, उसका जो टेक्सचर, आप जब इसे ऑयल में डीप फ्राई करते हैं तो इसका आपको टेक्सचर क्रंची होगा। कोई एकदम सॉफ्ट बनाते हैं, कोई क्रंची बनाते हैं, बहुत सारा तरीका है इसे बनाने का भी। आप हर घर में जाएंगे, हर सेल रोटी का टेस्ट आपको स्लाइटली डिफरेंट मिलेगा, पूरी तरह नहीं, स्लाइटली डिफरेंट। हर किसी में आपको अलग टेस्ट स्लाइटली डिफरेंट मिलेगा। मैं इसमें मैदा भी मिक्स कर रही हूँ। मैदा डाला जाता है क्योंकि आपको पता है चावल का जो आटा से आप कुछ भी बनाएं तो वो बाइंड नहीं होता है, तो इसे बाइंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा मैदा देना पड़ता है। मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी। सूजी से बहुत वो फ्लफी, जब ये सूजी फूलता है तो बहुत अच्छा टेक्सचर देता है। तो मैं सूजी, मैदा और चावल का आटा, उसके बाद मैं इसमें चीनी भी दूंगी बाद में, पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो गाइस, आप लोग जैसे कि जानते हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर जिंदा है 3 रिलीज़ हो चुकी है। गाइस मुझे भी बड़ा ही देखने का मन था, पर बिकॉज ऑफ ये सब प्रिपरेशन तो मैं जा नहीं पाई। रिव्यू बहुत अच्छा है सुना है मैंने, बहुत मन है, मैं डेफिनेटली जाऊंगी और देखूंगी। तो गाइस ये है मसाले, इसमें है इलायची, सौंफ, ब्लैक पेपर, आप इसमें दालचीनी भी दे सकते हैं, पर मेरे साथ दालचीनी नहीं था तो इतना भी काफ़ी रहता है। तो मैं इसे हल्का सा टोस्ट करूँगी, थोड़ा सा इसका जो खुशबू आ जाए, थोड़ा सा टोस्ट करूँगी, उसके बाद इसे ब्लेंड करूँगी। ये मैं इसे ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ, इसे अच्छी तरह फाइनली ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ये भी हमारे जाएगा इस बैटर में, जो बैटर में बना के रखी हूँ। ये देखिए, मैंने आप लोगों को शायद दिखाया नहीं, मैंने इस जो फाइनली मैंने ब्लेंड किया उसे भी मैंने छलनी में छान लिया था, थोड़ा सा जो दरदरा रह गया था उसे साइड कर दिया, जो एकदम पाउडर फाइन था उसे डाला है। और ये है बेकिंग पाउडर,
आप बेकिंग सोडा भी दे सकते हैं, पर मुझे बेकिंग सोडा का अंदाज पता नहीं चलता है गाइस, क्योंकि वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो बिटर टेस्ट हो जाता है। लेकिन आप बेकिंग पाउडर में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो बेटर या कुछ भी चीज़ आप बना रहे वो वेस्ट नहीं होता है। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें चीनी भी दे दिया है, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालना। मैंने दो बाउल में डिवाइड किया है, ये फूल जाएगा थोड़ा सा बेटर। इसे मैं 4 घंटे सॉफ्ट में दूंगी गाइस। ये मैंने सुबह रेडी किया है बेटर, और आप देखना मैं इसे शाम को बनाऊंगी। रात जो चावल था ओवरनाइट सॉफ्ट किया था, अब जो मिक्सचर है उसे मैं रेस्ट करने दूंगी 4-5 घंटे। ये है मटर गाइस, जो येलो मटर होते हैं उसे रात को ओवरनाइट भिगो के रखा था मैंने, क्योंकि जितने भी मेरे नेपाली भाई बहन हैं वो जानते हैं सेल रोटी के साथ खाया जाता है तिल और मटर की चटनी। ये दोनों कॉम्बो है, सेल रोटी और तिल और मटर की चटनी। ये हमारा ट्रेडिशनल डिश है, स्पेशली जो ओनली इसी फेस्टिवल दिवाली जो हमारे लास्ट में भाई दूज आता है, हम लोग तिहार बोलते हैं, तिहार में बनता है। तो मैं आज पहली बार ये भी ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए। मैं आप लोगों को पहली बार मजाक नहीं कर रही हूँ गाइस, जैसे वीडियो में दिखाने के लिए नहीं है। डेफिनेटली मैं सेल रोटी पहली बार ही बना रही हूँ खुद से, पर ये मटर की जो चटनी है ये मैंने बनाई है पहले पहले भी। तो ये है हमारा एलिफेंट एप्पल, हम इसे आउटेंगा बोलते हैं। अब इसमें हमारा जो ट्रेडिशनल वे यही दे के बनाते हैं, पर आजकल तो बहुत लोग नींबू देते हैं इसमें भी। ये चटनी भी लोग बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं गाइस। कोई मूली देते हैं, कोई नींबू देते हैं, अलग अलग तरीके से। मैं जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वे है जो बनता है, ये एलिफेंट एप्पल मटर और तिल, उसी तरह बना रही हूँ। एकदम सिंपल, नो ज़्यादा तामझाम, जो मम्मी बनाया करती थी, जो मेरी माँ बनाती थी। तो आप लोग जैसे कि सब जानते हैं एलिफेंट एप्पल की ये जो बीज है इसे खाते नहीं है, इसे फेंक देते हैं। बाय द वे ये हेयर कंडीशनर के लिए यूज़ होता है गाइस, बहुत अच्छा होता है ये, ऑर्गेनिकली कंडीशनर करते हैं। तो उसके बाद ये हमारा रेडी हो चुका है चॉप करके, ये हमारे तिल। बाय द वे इस तिल को मैंने पहले ही धो के अच्छी तरह सुखा लिया था, साफ उफ कर लिया। मैं इसमें हल्का सा व्हाइट तिल भी मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा नटी फ्लेवर आता है मुझे। व्हाइट तिल जो सेसमी सीड है वो बहुत पसंद है, तो मैं मिक्स कर रही हूँ। वैसे ट्रेडिशनल वे में पहले इतना मिक्स नहीं किया जाता था मैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैंने जैसे कि कहा है सब लोग थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, सबका थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है, तो ये मेरा तरीका है थोड़ा सा जो ट्विस्ट। वैसे ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें मैंने ज़्यादा ताम झाम और कुछ किया नहीं। तो ये इसे हम अच्छी तरह इसे भी रोस्ट कर लेंगे, इसे रोस्ट करना ज़रूरी है। तो ये मेरा रोस्ट होके रेडी हो चुका है तिल, इसे भी मैं जार में डाल दूंगी और करूंगी ब्लेंड अच्छी तरह से। आप देखिए तिल के साथ साथ मैं क्या क्या दूंगी, हम इसी में एक साथ ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा लहसुन भी देंगे इसमें, आप देखना जिंजर गार्लिक मैंने छील ओल के साफ करके रखा है, इसी में डाल दूंगी। थोड़ा सा चिल्ली भी, ये चिली चिल्ली है, मैं इसे भी डाल दे रही हूँ तीखापन के लिए। उसके बाद नमक, तो मैं एक ही जगह डाल के इसे मिक्स करके ब्लेंड कर दूंगी। तो आपको क्योंकि जब ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो आप ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकते हो। ये जानते हो हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे क्वांटिटी में बनता है, पर मैं तो बहुत कम क्वांटिटी में बना रही थी। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, और मेरा मटर भी रेडी हो चुका है कोल्ड होके। मैंने प्रेशर कुकर कर लिया है, ये देखिए। मटर का भी अपना तरीका है, कोई थोड़ा हार्ड रखते हैं, कोई ज़्यादा सॉफ्ट कर लेते हैं। मैंने पूरी अच्छी तरह सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई बिठा लूँगी, उसमें दूँगी तेल। तो ये मैं तिल और मटर की जो चटनी है उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा धनिया, दो गोटा धनिया उसका फोरन दिया है। वैसे आप सूखा मिर्चा का भी दे सकते हैं, पर मेरे साथ नहीं था। उसके बाद मैंने हल्दी दे दिया, जीरा पाउडर। उसके बाद जो ये एलिफेंट एप्पल है जो आउटना है,
इसे मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि इसका थोड़ा सा वो कच्चापन और वो हटाना है, बस डन। उसके बाद ये कच्चापन जब हट जाएगा तब आपको खाने में बहुत टेस्ट आएगा। इसी में मैं तिल डाल रही हूँ गाइस। आप जैसे कि जानते हैं आप लोग सब, ये सब पक चुका है, क्योंकि तिल को मैंने रोस्ट किया हुआ है, मटर को मैंने पका लिया है, बॉईल कर लिया है, और टेंगा को मैंने कच्चापन हटा दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। नमक मैंने तिल में ही डाल दिया था। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल चटनी। आप किसी भी जब दिवाली होता है, दिवाली के लास्ट जो भाई दूज रहता है, आप किसी भी नेपाली के घर चले जाइए, कोई गोरखा या कोई भी नेपाली के, आपको मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकती हूँ ये डिश जरूर मिलेंगी, ये दो, दाल रोटी और तिल की चटनी। तो गाइस शाम हो चुकी है, आप देख रहे हैं अब मेरा कैमरा का लाइटिंग थोड़ा सा चेंज हो चुका है, शाम हो गई है, बैटर भी थोड़ा सा फूल के ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं हाफ हाफ मैंने किया हुआ था। तो गाइस हाथ से बनाया जाता है, ये इस तरह होना चाहिए, लेकिन मैं हाथ से नहीं जानती हूँ, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ऑयल का काम, इतना गरम तेल का काम हाथ से उस तरह मैंने किया नहीं है। माँ तो हाथ से ही बनाती थी, पर मैं शॉर्टकट यूज करी हूँ गाइस। ये देखिए मैंने बोतल काट के बोतल में छोटा सा होल किया है। ये देखिए आज मैं पहली बार दाल रोटी बना रही हूँ, माँ की याद आ गई। वो माहौल बहुत ही अलग होता था, लाइक हम देखते थे उन्हें रात भर बैठ के, वो ये सल रोटी बनाती थी सुबह के लिए, हमारे मामा लोग आते थे उनके भाई के लिए, हमारे भाई के लिए। तो दिस इज फॉर यू, माँ होती तो देख के पूरा खुश हो जाती। भैया फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और बहुत अच्छा बना है। वैसे ये बोतल से डाल रही हूँ इसलिए मेरा बहुत परफेक्ट बनता है, मैं हाथ से नहीं सकती हूँ बनाने के लिए, मुझे आइडिया नहीं है किस तरह बनाते हैं हाथ से, क्योंकि लोग पहले जो पुराने टाइम में, जो माँ लोगों के टाइम में, उन लोग हाथ से ही करते थे, पर अब तो इसका मशीन भी आ गया है बनाने का, और हम शॉर्टकट तरीके से बोतल से भी बना लेते हैं गाइस। तो दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई मेक सेल रोटी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। मेरे वीडियो को बहुत प्यार देना, बहुत इमोशनली टच हो गई आप वीडियो बनाते बनाते, पुराने टाइम याद आ गए। बाय।